की बात करें तो इसमें कोई शक नहीं है कि अमेजन जंगल के अलावा कोई दूसरा नाम भी आ सकता है। यह इतना बड़ा है कि अगर यह कोई देश होता तो दुनिया का 9वां सबसे बड़ा देश होता। और तो और पूरी दुनिया का 20% ऑक्सीजन यह जंगल अकेला प्रदान करता है और इसका जो बॉर्डर है वह तकरीबन 9 देशों से टकराता है जिसमें ब्राजील, कोलंबिया जैसे बड़े बड़े देश शामिल हैं। अमेजन जंगल बाहर से जितना ही खूबसूरत दिखता है उतना ही अंदर से डरावना और खतरनाक है। इस जंगल में ऐसे भी लोग रहते हैं जिन्हें बाहर की दुनिया से कोई मतलब नहीं है। अब दोस्तों जब ये जंगल इतना बड़ा है तो जाहिर सी बात है कि इसके अंदर रहस्य भी कुछ कम बड़े नहीं होंगे। जी हाँ, इस जंगल ने अपने अंदर इतने रहस्य छुपा रखे हैं कि वैज्ञानिक भी उन्हें जानने के लिए अपना सर पीट रहे हैं। तो आइए जानते हैं कौन से वह रहस्य हैं जिन्हें वैज्ञानिक भी नहीं समझ पा रहे हैं। हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त सुरेश सांचोरी। वॉकिंग ट्री। एक बात तो हम सभी अच्छी तरह से जानते हैं कि हॉलीवुड के लिए कुछ भी करना आसान है, तभी तो वो तरह तरह के अतरंजी कॉन्सेप्ट लोगों के सामने लाकर खड़े कर देते हैं, जिसमें आप लोगों ने कई बार चलते हुए पेड़ों को भी देखा होगा। लेकिन तब क्या हो जब हम आपसे कहें कि चलते हुए पेड़ भी इस दुनिया में मौजूद है और वह और कहीं नहीं बल्कि दुनिया के सबसे बड़े जंगल अमेजन फॉरेस्ट में है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, अमेजन फॉरेस्ट में एक ऐसा भी पाम ट्री है जो चल सकता है। हालांकि यह हॉलीवुड की फिक्शनल फिल्मों जैसे तेज तेज दानवों के जैसा नहीं चल सकता है, लेकिन हाँ ये समय के साथ अपनी जगह से आगे खिसक सकता रहता है, जिसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि यह पेड़ उसी दिशा में आगे बढ़ता है जहां पर सूरज की रोशनी आती है, जिस वजह से इसकी नई जड़ें आगे की तरफ बनना शुरू हो जाती हैं और धीरे धीरे पीछे वाली जड़ें खत्म होती चली जाती हैं, और इसी कारण ये पेड़ आगे की तरफ बढ़ता हुआ चलता है। लेकिन इसकी गति बहुत ही ज्यादा धीमी होती है और आप सालों में ही यह फर्क महसूस कर पाएंगे कि यह पेड़ आगे बढ़ा है या नहीं। पॉइजन डार्ट फ्रॉग। दोस्तों, अगर आपसे दुनिया के सबसे खतरनाक जीवों के बारे में पूछा जाए तो आपके दिमाग में बड़े से दांतों वाले विशालकाय जीव आएंगे, लेकिन कभी कभी 4 सेंटीमीटर के जीव भी कुछ कम खतरनाक नहीं होते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं अमेजन जंगलों में पाए जाने वाले मेंढकों की, जिनका रंग जितना ही सुनहरा और प्यारा होता है ये उतने ही खतरनाक होते हैं। नेशनल जियोग्राफिक की माने तो ये डार्ट मेंढक पृथ्वी के सबसे जहरीले जीवों में से एक है और इस छोटे से दिखने वाले मेंढक का जहर 10 लोगों को मारने के लिए काफी है। हालांकि वैज्ञानिकों का कहना है कि यह मेंढक अपने आप को अमेजन जंगलों के दूसरे खतरनाक जीवों से बचाने के लिए इस तरह के जहरीले बने हुए हैं, लेकिन इनके जहर का असली स्रोत पता कर पाना अभी मुश्किल है। तो दोस्तों, वीडियो की शुरुआत में ही आप ये बात अच्छे से समझ गए होंगे कि जिस जगह के छोटे से मेंढक इतने खतरनाक होते हैं तो उस जगह के बाकी जीवों का क्या हाल होता होगा। इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखते रहिएगा, क्योंकि आगे इस तरह की और भी रहस्यमय चीजें हैं जो आपको पता चलने वाली है। अब जरा इस वीडियो पर नजर डालिए, क्या नजर आ रहा है आपको इस वीडियो में? आप बोलेंगे कुछ नहीं, एक टूटे हुए पेड़ की डाली। मगर नहीं दोस्तों, थोड़ा ध्यान लगाकर देखिए, यहां पर एक पक्षी छुपकर बैठा है। अब तो आपको पक्का दिख गया होगा, यह पक्षी अमेजन के जंगलों में पाया जाता है। पुट्टू नाम का यह पक्षी अपने आप को छुपाने की कला में माहिर है। यह परिस्थिति के अनुसार अपने शरीर को बनाकर एडजस्ट कर लेता है और देखने में ऐसा लग टूटी हुई पेड़ की टहनी है। वैसे तो दोस्तों ये पक्षी आमतौर पर नजर नहीं आता है, क्योंकि यह ज्यादातर रात में ही निकलता है और दिन में किसी पेड़ की टूटी टहनी बन जाता है, जिस कारण इन्हें देखना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। ये अपने आंख को अधखुली रखकर लंबे टाइम पर एक ही मुद्रा में बैठे रहते हैं। वैज्ञानिक भी इस बात को जानकर हैरान है। द बॉइलिंग रिवर। दोस्तों, आप लोगों ने तरह तरह की नदियों के बारे में सुना होगा, लेकिन क्या कभी आपने एक उबलती हुई नदी के बारे में सुना है? अगर नहीं सुना है तो आज सुन लीजिए, क्योंकि यह उबलती हुई नदी कहीं और नहीं बल्कि दक्षिणी अमेरिका के अमेजन जंगलों में पाई जाती है। इस नदी की लंबाई 4 मील और चौड़ाई करीब 25 मीटर है, और अगर इस नदी के तापमान की बात की जाए तो यहाँ का तापमान 50 डिग्री सेल्सियस से लेकर 100 डिग्री सेल्सियस तक रहता है, जिससे आप इस बात का अंदाजा बहुत अच्छे से लगा सकते हैं
कि क्यों इस नदी को उबलती हुई नदी कहा जाता है। हम आपको बता दें कि इस नदी का पानी इतना ज्यादा खौलता हुआ है कि यहाँ पर रहने वाले निवासी इसके पानी से चाय और अंडे तक बना सकते हैं। यहाँ के स्थानीय निवासियों के अनुसार इस नदी का इतिहास सदियों पुराना है, जिसे सूरज की गर्मी से उबलने वाली नदी के तौर पर जाना जाता है। और इस नदी की सबसे कमाल की बात यह है कि कड़ाके की ठंड में भी इसका पानी खौलता रहता है, यानी कि अगर जमा देने वाली ठंड पड़ रही है फिर भी इसके पानी को छूने से आपका हाथ जल सकता है। अब आप खुद ही समझ लीजिए कि यह नदी कितनी रहस्यमयी और अनोखी है, जो कहीं और नहीं बल्कि अमेजन के जंगल में ही पाई जाती है। मिस्टीरियस ट्राइबस। दोस्तों, अमेजन जंगलों में सिर्फ रहस्यमयी जीव जंतु ही नहीं बल्कि आदिवासी इंसान भी रहते हैं। हालांकि इनमें से कुछ कबीले ऐसे भी हैं जो जंगल के किनारे बसे हैं, जिस वजह से वह बाहरी दुनिया से घुले मिले हैं। लेकिन कुछ कबीले इस जंगल में ऐसे भी मौजूद हैं जिनका बाहरी दुनिया से कोई लेना देना नहीं है, और जहां हम टेक्नोलॉजी में 10 कदम आगे चल रहे हैं वहां उन्हें टेक्नोलॉजी का टी भी नहीं मालूम है। वे अभी भी एक पुराने समय की जिंदगी जी रहे हैं, जिसमें वो जानवरों को मारकर आग में जलाकर खाते हैं और पेड़ पत्तों से ही अपने कपड़े बनाते हैं। हमें पता है कि इस चीज पर विश्वास करना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि इस बात पर तो कोई दो राय नहीं है कि अभी भी कई सारे जंगलों में इस तरह के आदिवासी रहते हैं, लेकिन वो बाहर की दुनिया के बारे में बहुत अच्छे से जानते हैं और अपनी दुनिया के बारे में भी बढ़ चढ़ कर बताते हैं। लेकिन अमेजन जंगलों के बिल्कुल अंदर रहने वाले ये आदिवासी ना कभी बाहर की दुनिया से मिलना चाहते हैं और ना ही बाहर वालों को अपनी दुनिया में आने देना चाहते हैं। जिसका सबसे बड़ा सबूत यह है कि जितने भी लोग इन आदिवासियों के बारे में जानने गए हैं उन सबको इन्होंने मार दिया, और इनकी कई सारी तस्वीरें भी हेलीकॉप्टर और छुप छुप कर ली गई हैं, जहां पर हम ये साफ देख सकते हैं कि कैसे ये आम इंसानों को अपने लिए खतरा समझकर उन पर तीर से वार करने के लिए हर समय तैयार रहते हैं। और यही वजह है कि अभी तक इन आदिवासियों के बारे में ज्यादा कुछ पता नहीं चल पाया है। बुलेट एंट। दोस्तों, अगर आपको चींटी को देखते ही मसल कर उसे फेंक देने की आदत है तब तो हमारा आपसे दावा है कि अमेजन जंगलों में पाई जाने वाली इस बुलेट चींटी को आप एक बार मसल कर दिखाइए, क्योंकि ये आपके घरों में टहलने वाली आम चींटी जैसी बिल्कुल नहीं है। ये इतनी ज्यादा घातक है कि अगर ये एक बार किसी को काट ले तो उसे गोली लगने जैसा दर्द होता है, और इसी कारण इस खतरनाक चींटी का नाम बुलेट एंट रखा गया है। वैसे एक बात तो कहनी पड़ेगी कि जब कोई भी इतने विशालकाय और खतरनाक जंगल में रहेगा तो उसे खतरनाक तो होना ही पड़ेगा।